ज्वाला स्वरूपियों का अभ्यास करने के लिए चौथी बात है, हमारे दिल में सदा परमात्म प्यार का झरना बहता ही रहे। दिल में हमेशा परमात्म प्यार भरपूर हो, क्योंकि जैसे सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, मुट्ठी चावल था बचा हुआ, इससे हमारे पास भी कुछ नहीं है, केवल दिल के सच्चे प्यार की थोड़ी पूंजी है। उस अमूल्य पूंजी को हमें परमात्मा को सौंपना है। प्यार के सागर के बच्चे होने के कारण सबके साथ प्यार से रहना जरूर है, संबंधों को निभाना जरूर है, लेकिन सच्चा प्यार, दिल का प्यार केवल उस एक के साथ ही हो। हमें चेक करना है, बुद्धि बार बार कहीं मेरी जाती तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु जहां बार बार मेरी बुद्धि जाती तो नहीं है, वो हमें चेक करना है और वहां से बुद्धि को हटाना है और बाबा के तरफ उसको जुटाना है, क्योंकि 84 जन्मों का पाठ बजा कर हम अभी बैठे हैं लास्ट जन्म में। कई आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव अकाउंट है, नेगेटिव भी अकाउंट है, उस सभी हिसाब किताब को हमें घर जाने के पहले पूरा करना है। उसके लिए अगर थोड़ा प्यार किसी के तरफ हमारा जाता भी है तो उसको वहां से हटाकर बाबा के साथ जुटाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का पक्का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बेघर तो हो, बेघर माना बेघर, एक किराए का मकान लेके तो बैठे हो, क्या है आपके पास? तो मैं केवल प्यार का सौदा करने आया हूं। करोगे? जिस प्यार के सौदा करने से माया ने आपको खूब पीटा, खूब लता, पांचों खिलाड़ियों ने फुटबॉल बना के क्या पिटाई किया, अभी वो प्यार मेरे साथ शेयर करो। तो इसलिए हमें दिल का सच्चा प्यार बाबा की तरफ ही ट्रांसफर करना है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती है। एक प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त कर देता है और बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है। जब तक हम बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति नहीं करते हैं, तब तक ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति नहीं होती है। जब जलता हुआ कोयला मैं हाथ में पकड़ता हूं तो मेरा हाथ फट से जल जाता है। से बाबा आत्मा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही ट्रांसफर हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें स्वतः ही होती है। इसलिए जैसा प्यार होता है वैसी बुद्धि रूपी तार हमारे जुड़ जाती है। याद तीन प्रकार की होती है, याद करना, याद
आना और याद सताना। तो बाबा की याद हमें सताए, क्योंकि बाबा से बढ़कर इस दुनिया में प्राप्तियां कराने वाला कोई भी नहीं है। सबसे जास्ती प्राप्तियां कराने वाला केवल बाबा ही है, और इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा केवल एक शिव बाबा है। इसलिए बाबा के तरफ दिल का सच्चा प्यार हम ट्रांसफर करते रहे।